डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ ये बुक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम वर्क करेंगे 68B, जो कि एक तरह से जो वर्ड्स हैं हमारे वो इंटरनेशनल लेवल के हैं और यहाँ पर कई सारे ऐसे वर्ड्स यूज होंगे जिनसे कि आप शहर और कई सारे वर्ड्स हम वर्क करेंगे और इनकी स्मार्ट एंड शॉर्ट आउटलाइन बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप बहुत अच्छे से उनको समझ के कर पाए, क्योंकि ये जो भी रूल्स आपको बताए जाते हैं बेसिकली रूल ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आप एक अच्छा काम कर पाएंगे और तभी एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिये सबसे पहला जो वर्ड है इसमें वो है त्रिनिदाद, जो कि एक जगह का नाम है। अभी स्टार्टिंग में जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं ये एक जगह के नाम है, तो इसी को हम डिफाइन करते हुए बनाएंगे। तो देखिए ट्री नी दाद, तो टा में रा का हुक लगाया ऊपर को, नीचे हमने इसी में ना का हुक लगाया और दा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर दिया, तो बन गया त्रिनिदाद। और चूंकि एक जगह का नाम है तो हमने यहाँ पर दो आउटलाइन बना के इसको डिफाइन कर दिया। इसके बाद वर्ड है आपका फिजी, तो देखिए फिजी के लिए क्या करेंगे, फ के लिए हम इस्त का चाप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ ये यहां पर बनाया और ई की मात्रा, ये एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और नीचे दो मार्क जरूर लगाएंगे। इसके बाद शब्द है आपका जन जी, हल्का सा इसको बाहर निकालेंगे, बा में रा का हुक ऐड करेंगे, जंजीवार। ब्रिटिश गायना फेडरेटेड मलाया स्टेट, तो सबसे पहले हमने बनाया ब्रिटिश गायना, तो बा में रा का हुक गा और ना, ब्रिटिश गायना फेडरेटेड मलाया स्टेट। तो कैसे लिखा हमने, देखी फेडरेटेड मलाया स्टेट, जिस किसी भी, अब हम इसको पूरे को कंबाइन कर देंगे तो हम कैसे लिखेंगे, जिस किसी भी उपनिवेश में जाओ हमारे प्रवासी भारतवासियों, तो प्रवासी भारतवासियों, ये पूरा कंबाइन कर दिया हमने यहां पर, की दशा। ऑलरेडी दशा, देश और दिशा के लिए मैं आपको एक फिक्स वर्ड बता चुकी हूं, लाइन पर डिफाइन करके चलते हैं। दशा लाइन के ऊपर, देश लाइन पर, दिशा लाइन काटकर, ठीक है। को बहुत ही, बहुत में ही का शब्द चिन्ह जोड़ देंगे, बहुत ही करुणा जनक और दयनीय भारतवासियों की दशा को, ये मैं दोबारा रिपीट कर गई हूं यहां से, पाओगे पूर्ण विराम, इन भारतीय मजदूरों, तो यहां पर हम भारतीय मजदूरों के लिए मां की व्यंजन रेखा को इसकी लेंथ का डबल कर देंगे और जा का हुक लगा दें, व्रत बना देंगे, ने उस उन देशों, कंबाइन कर दिया हमने यहां पर, को अपने गाढ़े पसीने से, अब यहां पर आया है दिन रात, तो चूंकि ये जुट शब्द है दिन और रात, तो हमने क्या किया, दिन की व्यंजन रेखा को बनाया और रात, मेहनत
कर बड़ा ही समृद्धशाली बना दिया है। बा का शॉर्ट फॉर्म ना की व्यंजन रेखा दा और हा बना दिया है। पर अब वहां के गोरे निवासी इनको इनके अधिकारों से वंचित, तो वाकी व्यंजन रेखा ना च और ता करने के लिए एड़ी चोटी ये कंबाइंड किया हमने यहां पर, का पसीना एक कर रहे हैं इनके खिलाफ रोज ही नए नए कानून। देखिए का की व्यंजन रेखा में ना का हुक है, फिर ना की व्यंजन रेखा को हमने पूरा बनाया है, जैसे रिजर्वेशन एक्ट रिजर्वेशन शन का हुक है और एक्ट जंजीवार क्लोव एक्ट हाई ग्राउंड रिजर्वेशन एक्ट आदि पास किए जाते हैं। पूरा कंबाइन कर दिया हमने यहां पर इसको, और जगह अब बा आया है बीच में, तो यहां पर बा की व्यंजन रेखा को बना देंगे और ये डिफाइन करता है कि यही वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है। तो जगह व जगह से इनके नागरिक स्वत्वों तथा मताधिकारों को भी छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये पूरा कंबाइन कर दिया। जब शब्दों को हमेशा ऐसे शब्दों को कंबाइन कीजिए जिनको कि आप इजीली पढ़ पाएं। कभी भी ऐसी ज्वाइनिंग मत कीजिए जहां पर आपको लगे कि आप इन शब्दों को पढ़ने में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो ज्वाइनिंग कभी भी हेल्पफुल नहीं होती है। तो कोशिश क्या कीजिए कि आप जब ज्वाइन करें, जब उसको बनाएं, तो आप वहां पर ऐसा कंसेप्ट रखें जिससे कि वो इजीली पढ़ने में आ जाए। इनके खिलाफ उन स्टेट सेटलमेंट, तो स्टेट सा का व्रत ला का हुक साथ में बनाएंगे और यहां पर मां की व्यंजन रेखा सेटलमेंट के लिए आदि में प्लेटरों, तो यहां पर हम किस तरह से बनाएंगे, पा में ला का हुक ना का हुक, टर डर के लिए इसको डबल कर दिया क्योंकि बहुवचन है, तो यहां पर साउंड दे दी, ने एक एसोसिएशन यूनाइटेड, अब प्लेटर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो प्लेटर्स एसोसिएशन के नाम से कायम किया है। तो यहां पर हमने लिखा कायम किया है, या का साउंड डिफाइन कर देंगे और इनके विरोध
से रक्षा करने के लिए। अब देखिए यहां पर ये इजी ज्वाइनिंग है, हमारे प्रवासी भारतवासी, तो प्रवासी भारतवासियों ने अपनी एक संस्था सा का व्रत, ना की व्यंजन रेखा, सा की व्यंजन व्रत और था सेंट्रल इंडिया असेंबली। तो देखिए ट्रल के लिए इसको कर दिया डबल, इंडिया के लिए बना दी ना की व्यंजन रेखा और असेंबली के लिए बामेला के नाम से कायम की है। तो हमने लिखा कायम की है, पूर्ण विराम। इन इन आता है लाइन पर, इन विदेशों के स्थानिक, तो हमने इस्थ का चाप बनाया ना कि व्यंजन रेखा का, राजनैतिक प्रधान को एजेंट शब्द चिन्ह है जनरल के लिए जा की व्यंजन रेखा, तथा ब्रिटेन हेल्प किया है टा के लिए बाकी व्यंजन रेखा के मंत्री को जो इनके ऊपर हैं, तो इनके का बनाया ऊपर हैं, कंबाइन कर दिया। औपनिवेशिक, तो देखिए पा की व्यंजन रेखा में ना सा और ब, सचिव, ठीक है, ये सचिव पूरा यहां ऐड कर दिया, औपनिवेशिक सचिव या कॉलोनियल सेक्रेटरी। तो देखिए का में ला का हुक, ना की व्यंजन रेखा और सेक्रेटरी के लिए सा में सा का व्रत, का की व्यंजन रेखा कहते हैं, पूर्ण विराम, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। कोशिश कीजिए कि इसको प्रॉपर मैनेज करें, किसी भी शब्द में कोई कंफ्यूजन होता है, आपको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगी, एंड आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रूफ्स अवेलेबल कराती हूं। तो कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, और कोई भी कंफ्यूजन है तो फ्रिक्वेंटली पूछिए आप, और तब तक के लिए चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, वीडियोज को देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा जरूर, और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, थैंक यू।